आपको जिस जगह पर लेकर आई हूँ, ये जगह फेमस है अपने डिजर्ट्स के लिए और बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी यहाँ पे आते हैं खाने के लिए। साथ ही यहाँ पे भी मिलते हैं मंचीज, थोड़े से टिडबिट स्नैक्स। इतने ज़्यादा फेमस है यहाँ की ये सारी चीज़ें कि इनके फ्राइज खाने के लिए CID फेम ACP प्रद्युमन आते हैं और कहीं नहीं जाते, बहुत दूर से अपने बेटे को लेके यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल भी बहुत बड़े फ़ैन हैं यहाँ की एक डिज़र्ट के, और जो सीरियल में आते हैं ना बागा, वो भी इन सारी चीज़ों के फ़ैन हैं। तो क्या पसंद है इन लोगों को, जनरल पब्लिक तो आती ही है, तो ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं इनके पास, कुछ सीजनल है कुछ रेगुलर है। तो चलते हैं अंदर डिज़र्ट जंक्शन में, और इसका लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ, विले पार्ले ईस्ट में है। एड्रेस मैं आपको यहाँ पे नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप भी एंजॉय कीजिए ये टूर इस डिजर्ट्स का, और हो सके तो आके यहाँ पे मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। वीडियो देख के लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि जल्दी हम 25,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली होने वाले हैं, तो आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए हमारी फैमिली को बढ़ाने में। फिलहाल चलते हैं डिजर्ट जंक्शन के अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या क्या स्पेशल डिजर्ट्स अवेलेबल हैं। आइए। डेजर्ट जंक्शन 2017 में स्टार्ट हुआ, 5 साल हो गए अपना, और अपना खुद का ऑन ब्रांड है और अपनी खुद की फैक्ट्री में ही हम लोग सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और अपने 4 आउटलेट है अभी। स्टार्ट ऐसा है कि भाई कुछ अच्छा खिलाने का पब्लिक को, और डेजर्ट का स्पेशल कुछ जरा आउटलेट नहीं रहता है, आपको दूसरी और रेस्टोरेंट में जाएंगे तो डेजर्ट साइड में मिलेगा आपको, मगर ये अपना पूरा डेजर्ट पे पूरा कंसेप्ट है, और प्योर मिल्क्स में अच्छा आइटम बनाने का और अच्छा आइटम कस्टमर को खिलाने का। वो बोलते हैं ना, भगवान भूखा उठाता है तो भूखा सुलाता नहीं है, तो हम जैसे बंदे को भेज दिया है कि भूखा सुलाना मत किसको। वैसे तो डेजर्ट जंक्शन एक चॉकलेट शेक स्पेशलिस्ट है, और वो ही सारी चीजें मैं यहाँ पे ट्राई करने और आपको दिखाने के लिए लाई। मैं जब यहाँ पे आई ना, कुछ मंचीज मैंने देखे और स्पेशली ये फ्राइज, तो मुंह में देख के इतना पानी आ रहा था ना, बहुत ही टेम्प्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो फ्राइज से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज पेरी पेरी मसाला फ्राइज, ये देखिए देखने में इतने बढ़िया है, और इनका जो शेप है ना एकदम ही परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ना पतला है ना मोटा है, जस्ट राइट। ऊपर से वो पेरी पेरी वाला मसाला स्प्रिंकल किया हुआ है, एंड आई जस्ट कांट रियली वेट टू हैव दिस। इसको पहले ट्राई करूंगी। एक और चीज है इसके साथ में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे ये जैन के लिए ना बनाना फ्राइज भी अवेलेबल है, बहुत सारे जैन डिशेस यहाँ पे है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लाइक यू कैन ऑर्डर फॉर जैन टू, उसे भी जरूर ट्राई करेंगे। सो पहले ट्राई करती हूँ ये। इसके साथ में इन्होंने सर्व किया ये टमेटो केचप है और मेयो है साइड में। वाओ, जैसे दिख रहे हैं ना बिल्कुल वैसे ही है, एकदम क्रिस्प है, और आके थोड़ा टाइम हो गया है फिर भी जरा भी सॉगी नहीं हुए, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। इधर पार्ला में तो बहुत सेलिब्रिटी है, और इधर मेरे इधर बहुत सेलिब्रिटी आते हैं खाने के लिए, दिलीप जोशी हो गया, मनोज जोशी, दिलीप जोशी यानी तारक मेहता वाले जेठालाल, उनकी पूरी टीम एंटायर टीम आती है, फाल्गुनी पाठक है, सुदेश भोसले है, ओरियो शेक के लिए रविंद्र टंडन वो पार्सल मंगाती है, अमिताभ बच्चन के घर पे भी अपना पार्सल जाता है स्विगी जोमेटो के थ्रू, जो डिलीवरी बॉय रहते हैं वो बोलते हैं भाई अमिताभ के घर का पार्सल है। और नेक्स्ट है ये बनाना फ्राइज, ये पहले कभी ट्राई नहीं किए, एकदम ही अलग यूनिक, सुनने में भी लग रहे हैं, देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वाओ, दिस इज सो क्रिस्पी, इनफैक्ट ये इससे भी ज्यादा क्रिस्पी लग रहा है मुझे, और बिल्कुल है ना जब हम फ्रेंच फ्राई खाते हैं तो उसमें जो एक्सपेक्ट करते हैं हम, जो आलू का टेस्ट आता है एकदम बढ़िया वाला, यूजुअली बच्चों को तो आलू पसंद होता है और बड़े भी फ्रेंच फ्राइज के रूप में इसे पसंद करते ही हैं, बट ये बनाना फ्राइज है ना, मैं बोलूँगी अगर आपने ट्राई नहीं किया हो तो ज़रूर एक बार इसको भी आप ट्राई करके देखिए, जैन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जो सिर्फ जैन फूड खाना पसंद करते हैं, बट ये है ना रेगुलर भी आप ट्राई करोगे ना, इट इज सो डिलीशियस, द बेस्ट थिंग इज इट्स रियली क्रिस्पी। स्नैक्स में आपको बहुत वैरायटी रहेंगे, जैसे आपको सैंडविच, पिज्जा, पास्ता, छोटे आपको समोसे वगैरह मिल जाएंगे, और जैन में तो बहुत प्रोडक्ट्स है, जैसे जैन फ्रेंच फ्राइज है, जैन बर्गर, जैन पास्ता, और मिनी समोसास भी यहाँ पे है बहुत सारे। तो ये देखिए मैंने एक असॉर्टेड वाला ही मंगवा लिया है, 3 अलग अलग फ्लेवर्स हैं इनके पास समोसे में भी, सो लेट्स ट्राई कि देखते हैं अंदर क्या क्या डिफरेंस है तीनों फ्लेवर्स में। ये वाला जो है दिस इज तंदूरी पनीर, दिस इज पंजाबी समोसा, और ये वाला पनीर चिली समोसा है विच इज अगेन जैन, साथ में ये चटनी दी हुई है, ग्रीन चटनी है इसके साथ, एक और चटनी दिखाई दे रही है, चलिए इसे देखते हैं कि कौन सी वाली है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये खट्टी मीठी वाली चटनी होगी, तो ये फर्स्ट वाला ट्राई करूंगी। तो जो कवर है ना ये काफी क्रिस्प लग रहा है, और ये अंदर देखिए वाओ पनीर की स्टफिंग है,
सो ये पनीर का एक बड़ा सा उसमें क्यूब भी डाला हुआ है एंड दिस इज मिंस्ड पनीर। चलिए इसको ट्राई करते हैं हम ग्रीन चटनी के साथ में। सो पनीर में है ना एकदम स्मोकी वाला फ्लेवर आ रहा है क्योंकि ये तंदूरी पनीर समोसा है। सो ऑब्वियसली पनीर को पहले तंदूर में ही अच्छे से ग्रिल किया हुआ है एंड कुछ जीरा पाउडर ऐसे कुछ मसाले डाले हुए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है। इट इज सटल, नॉट वेरी स्पाइसी एंड टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है ना एकदम डिफरेंट है बिकॉज ऐसा स्मोकी फ्लेवर वाला पनीर समोसा कभी खाया नहीं है। दूसरा वाला देखते हैं कि कौन सा है। सो दिस इज पंजाबी समोसा। वाओ सो टू गुड, बहुत ही अच्छा है। रेगुलर समोसे वाला टेस्ट है बट जो मसाला है जो स्टफिंग है सियामी एकदम बैलेंस टेस्ट है इसके अंदर। गरम मसाला और जो भी इन्होंने पाउडर स्पाइसेस डाले होंगे, आलू का टेस्ट, सब कुछ एकदम बढ़िया। अगेन द कवर इज वेरी क्रिस्पी, रियली टेस्ट गुड। सो द पनीर चिली समोसा लुक्स व्हाइटिश इन कलर बिकॉज द पनीर। तो आई गेस इसमें कैप्सिकम यूज किया हुआ है। जैन समोसा ये फिर भी काफ़ी टेस्टी है। अब ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इसमें कुछ चीज़ें डालते हैं कुछ नहीं डालते हैं, जैन के हिसाब से बनाई जाती है ये। द समोसा इज डिलीशियस, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर्स है तीनों के। पंजाबी समोसा रेगुलर, तंदूरी पनीर वाला काफ़ी डिफरेंट है विद द स्मोकी फ्लेवर। सो यू कैन ट्राई एनी ऑफ इट, ऑल ऑफ देम आर इक्वली गुड। हमारे पास बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन से लेके टोटली जो भी है सब मिलता है उनके लिए। पनीर टिक्का सैंडविच अपना ग्रिल सैंडविच है। सो ये सारी चीजें तो बहुत ही बढ़िया लग रही हैं। और मैंने यहाँ पे चीज चिली टोस्ट मंगवाया है, ये भी देखने में काफी टेम्पटिंग है। तो एक बाइट इसका भी पहले ले लेती हूँ। क्रंच ऑफ दोज फ्रेश वेजीज, तीनों बेल पेपर्स है इसमें, अनियन है, टमेटो है, सारी चीजें रॉ है, फ्रेश है, ऐसे कुछ मसाला पेस्ट बना के इसमें डाला हुआ नहीं है। चीज डाली है ये भी बहुत बढ़िया लग रही है। इट इज नॉट ओवर चीजी, यू नो कहीं पे बहुत ज्यादा चीज होता है और मुझे तो है ना वो ओवरलोडेड वाले जो चीज वाली डिशेज होती है ना मैं एंजॉय नहीं करती हूँ, एक्चुअली मुझे गिल्ट फीलिंग आ जाती है इसमें। दिस वन इज क्वाइट ओके। इधर पार्ला आउटलेट है, बोरीवली में भी है, डोम्बिवली है, एक अंधेरी में डिलीवरी किचन है और अभी नेक्स्ट मंथ से अहमदाबाद में भी शुरू हो रहा है। और एक बार जरूर आइए और एंजॉय करेंगे आप, डेजर्ट का वैल्यू फॉर मनी है अपने इधर। वाओ लुक एट दिस, ये देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू हैव दिस। This is the most recommended Sunday. यहाँ पे जो इनके मेन्यू में है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड इट इज़ कॉल्ड चॉकलेट माउंटेन। बहुत सारा असॉर्टमेंट्स इसके अंदर दिखाई दे रहा है मुझे। आई कैन सी 3 स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम एंड आई एम श्योर एक तो चॉकलेट आइसक्रीम होगी इसमें बिकॉज इट्स अ चॉकलेट बेस्ड डिजर्ट। एक वनीला दिख रही है एंड एक आई थिंक इट इज़ बटर स्कॉच। जेम्स दिखाई दे रहे हैं, स्प्रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, देर इज ब्राउनी और ये यहाँ पे किटकैट मंच टाइप के जो बार्स होते हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं, वेफर रोल्स, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ पे ये चॉकलेट आइसक्रीम ही ट्राई करने वाली हूँ। देखते हैं एक स्पून में क्या क्या चीजें आती है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। चॉकलेट माउंटेन खाने में इतना मज़ा आया हम लोगों को ना, एक्चुअली 2 से 3 लोग आराम से ये चीज़ खा सकते हैं। और इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा ना ब्राउनी के पीसेस इसमें डाले हुए हैं और उसके साथ में जो सबसे नीचे बेस में ना एक स्पॉन्ज इन्होंने डाला हुआ था केक का। सो वो जब आइसक्रीम के अंदर मिक्स होके जब मुँह में उसका बाइट आता है ना, सो इट्स सो अमेजिंग आई टेल यू। सो एक खास बात है ना जो आइसक्रीम्स इन्होंने इसमें यूज़ की है तीनों, आप बोलो वनीला थी, चॉकलेट थी, बटर स्कॉच थी, इतनी फ्रेश आइसक्रीम जो एकदम नेचुरल फ्लेवर, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं थे। और ये जो आइसक्रीम है ये इनकी इन हाउस बनी हुई आइसक्रीम है। इनफैक्ट जो ब्राउनी है वो भी इन हाउस बना हुआ है,
प्योर दूध से ये आइसक्रीम बनती है. दिस इज एन एब्सोल्यूट मस्ट ट्राई इफ यू हैपन टू कम टू डेजर्ट जंक्शन. इसके बाद मैंने एक और सीजनल डेजर्ट मंगवाई है क्योंकि मैंगो सीजन में है तो मैंगो का एक डेजर्ट तो खाना बनता ही है. चलिए उसे देखते हैं. संडेज में भी हमारे पास बहुत है वैरायटी. जैसे सीजनल प्रोडक्ट में हमारे पास स्ट्रॉबेरी संडे, अभी मैंगो का चालू है तो मैंगो का है संडे, और बाकी चॉकलेट बेस्ड संडेज तो बहुत है. दिस इज मैंगो संडे. जैसे मैंने आपको बोला था सीजनल डेजर्ट भी खाना जरूरी है. तो ये देखिए देखने में इतना बढ़िया दिख रहा है क्योंकि ये जो मैंगो का कट है ना ये इतना अमेजिंग किया हुआ है. मैंगो की कुल्फी डाली हुई है और ये बनाई जाती है ना देवगढ़ मैंगो से. एक डेजर्ट के ग्लास में इनके एक पूरा मैंगो जाता है तो बिल्कुल दिल खोल के मैंगो डाला है मैंगो डेजर्ट में. सो इट इज सो स्मूथ टू कट. ओके, इसके अंदर ये वनीला आइसक्रीम भी दिखाई दे रही है मुझे. वाओ, द मैंगो कुल्फी इज ऑसम इन टेस्ट. यू डेफिनेटली हैव टू ट्राई दिस. जो हल्की सी कुल्फी मेल्ट हो जाती है ना एक्चुअली उसके बाद ही उसमें और भी ज्यादा स्वाद आता है. जब हार्ड कुल्फी खाते हो ना उससे भी कहीं ज्यादा. और ये जो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है ना मैंगो कुल्फी विद वनीला आइसक्रीम ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है. यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. सो नाउ आई नो कि डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक की ये फेवरेट डिजर्ट क्यों है. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने. डिजर्ट जंक्शन में फाल्गुनी पाठक भी आती हैं, स्पेशली मैंगो सीजन में एवरी ईयर जस्ट टू हैव दिस मैंगो संडे. इसमें जो फ्रेश पीसेस डाले हुए ना देवगढ़ आम के वो इतने ज़्यादा ऐड कर रहे हैं इस टेस्ट को बिकॉज दे आर ऑथेंटिक मैंगोज. हर आम इनकी गारंटी है कि अच्छा ही होगा. और जैसे कि मैं टेस्ट कर रही हूँ पूरी जान जो इस डिज़र्ट की है ना वो उन मैंगोज़ की वजह से ही है. जो मैंगो कुल्फी है वो भी इन्होंने उसी मैंगो से बनाई है. और वनीला आइसक्रीम तो ऑफकोर्स प्योर मिल्क आइसक्रीम है ही, ऑथेंटिक है ही और नेचुरल है ही. इसके अलावा इसके अंदर नीचे है ना मैंगो आइसक्रीम भी है जो अगेन इज सो ऑथेंटिक एंड एडिंग मोर टू द टेस्ट. दिस इज अ मस्ट 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 ट्राई. एक्चुअली ये मैंगो डिजर्ट ऐसी है ना कि इसे खाने के बाद में जो फ्रेश एंड मीठे आम थे ना इसके अंदर तो ऐसा लग रहा है ना कि कई दिन की मैंगो क्रेविंग्स जो है ना वो ही सेटिएट हो गई. और दिलीप जोशी के यहाँ तो ज्यादा ठंडाई जाती है. अभी उधर गेस्ट आते तो वो बोल देते हैं कि भाई आप ठंडाई मंगाओ और कुछ नहीं चाहिए, चाय नहीं पीने का आपके घर पे. तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जो जेठालाल है ना, जी हाँ वही दिलीप जोशी जी, उनका एक फेवरेट डिजर्ट है यहाँ पे डिजर्ट जंक्शन में विच इज प्रीमियम ड्राई फ्रूट ठंडाई. तो क्या इसमें ऐसी खास बात है जो जेठालाल को भी ये इतना पसंद है. चलिए देखते हैं. ये तो आई थिंक ये तो फ्लो ही नहीं हो रही. एक मिनट, इसको ना चम्मच से ही खाना पड़ेगा. ओ माई गॉड, दिस इज सो फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, नो फुल्ली लोडेड. और इतनी थिक है ये कि आई डोंट थिंक इसको आप ग्लास से सिप कर सकते हो. दिस इज माइंड ब्लोइंग. बहुत ही थिक शेक है ये. एक्चुअली इसमें ड्राई फ्रूट्स का क्रंच तो है ही, पिस्ता की बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है इसके अंदर. और एक्चुअली जो ठंडाई है ना इतनी थिक तो मैंने कभी देखी नहीं है. दिस इज समथिंग डिफरेंट, रियली डिफरेंट. जब मिल्क ये यूज करते हैं ना सो उसको ही थिकन किया हुआ है. इसके अंदर कोई आइसक्रीम नहीं है कि मुझे पहले ऐसा लगा ना कि ये इतनी थिक है तो आइसक्रीम होगी, बट बिल्कुल भी नहीं है. अमेजिंग. तो जब हम इसको एक स्पून पी लेते हैं ना तो जैसे ब्लैक पेपर हिट करता है ना जब हम ठंडाई पीते हैं तो वो वाली बात इसमें है. मतलब ये एक्चुअली ठंडाई का ही फ्लेवर है. सो नाउ आई नो सिर्फ जेठालाल ही नहीं बल्कि एंटायर तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली टीम इनके पास फ्रीक्वेंटली आती है ये वाला ड्राई फ्रूट ठंडाई पीने के लिए. डेजर्ट जंक्शन के ऑलरेडी बॉम्बे में 4 आउटलेट है, फ्रेंचाइजी दे रहे हैं. तो फ्रेंचाइजी के लिए जो नीचे दिए नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो. आपको भी मजा आएगा, अच्छा लगेगा कि कुछ अच्छा खिलाते हैं. हमारे पास मोर देन 25 वेराइटीज ऑफ थिक चॉकलेट शेक्स है जिसमें आपको डार्क चॉकलेट शेक्स भी रहेगा. जैसे मेडागास्कर शेक है, बेल्जियन शेक है, मिंट शेक आपको चाहिए तो मिंट शेक के साथ भी आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा. एंड ये कंप्लीट फैमिली डेजर्ट शॉप है और ये सब प्रोडक्ट हमारे फैक्ट्री में ही होता है तो वो प्योर मिल्क से ही बनते हैं सब प्रोडक्ट.
तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेजर्ट जंक्शन एक्चुअली एक चॉकलेट शेक स्पेशलिस्ट है, तो यहाँ के जो दो बेस्ट सेलर शेक्स है ये मैंने लिए हुए हैं। एक्चुअली काफ़ी सारा डेजर्ट्स हो गया है हम लोग का, ये मैंने लिया है क्योंकि ये जो स्पेशल आइटम है उनमें आता है। तो ये एक है कैडबी, पुणा की तरफ अगर आप गए हो तो आपने सुना होगा कैडबी, मैंने भी एक्चुअली सबसे पहले वहीं पिया था। तो अब ये यहाँ पे मुंबई में भी अवेलेबल है, तो आप इसको ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। पहले देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। सो चॉकलेटी, तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, चोको भी यानी कि फुल ऑफ चॉकलेट, तो बिल्कुल ही चॉकलेटी टेस्ट है इसका। थिक शेक है, ऑफकोर्स ठंडाई जितना थिक तो नहीं है, बट फिर भी ये थिक शेक है, द टेस्ट इज़ गुड। और जो नेक्स्ट है ये तो आपको देख के ही पता चल गया होगा क्योंकि इसमें ओरियो बिस्किट है ऊपर, तो दिस इज़ ओरियो शेक। ठंडाई जैसा ही थिक शेक है ये, आपको स्पून की ज़रूरत पड़ेगी इसे पीने के लिए। सो द टेस्ट इज़ रियली गुड। अगर आप चॉकलेट लवर है तो आपके लिए तो यहाँ पर बहुत कुछ है, ये भी आपने ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगेन सुपर, मतलब मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँ कि आप ये ज़रूर ट्राई करना। लाइक एवरीथिंग यू नो गोज़ ऑन द नेक्स्ट लेवल, मोर देन एक्सपेक्टेशंस। चॉकलेट शेक्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, स्पेशली ओरियो शेक तो इज़ वेरी वेरी कॉमन, बट ये वाला जो ओरियो शेक है दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और क्या डिफरेंट है उसे जानने के लिए तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा डिज़र्ट जंक्शन विले पार्ले ईस्ट में, और ट्राई करना पड़ेगा कि ये कैसा है। फिर आपको मुझे इसको कमेंट्स में भी बताना है कि क्या डिफरेंस लगा आपको। सो आई एम लविंग ईच एंड एवरी थिंग दैट आई ट्राइड ओवर हियर, और इन थिक शेक्स को भी मैं अभी कम्प्लीटली एब्सोल्युटली आराम से इंजॉय करने वाली हूँ। इफ़ यू लव द वीडियो तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी है इस वीडियो में, और शेयर कर दीजिए से ज़्यादा ताकि स्कॉचिंग समर में लोग एंजॉय कर सकें इन ठंडी ठंडी चीज़ों को एटलीस्ट वर्चुअली। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो।